सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हरेरा, पंचकुला और गुरुग्राम की वेबसाइट शुरू की। इसके साथ ही हरेरा अब डिजिटल हो गया। सीएम मनोहर लाल ने हरेरा से जुड़ी तमाम जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, हरेरा गुरुग्राम के चेयरपर्सन डॉक्टर के खंडेलवाल और हरेरा पंचकुला के चेयरपर्सन राजन गुप्ता समेत प्राधिकरण के पदाधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हरेरा, पंचकुला और गुरुग्राम की वेबसाइट लॉन्च की। इसके साथ ही हरेरा अब डिजिटल हो गया है। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरेरा से जुड़ी हर जानकारी दी। इस मौके पर हरेरा गुरुग्राम के चेयरपर्सन डॉक्टर के खंडेलवाल और हरेरा पंचकुला के चेयरपर्सन राजन गुप्ता समेत प्राधिकरण के पदाधिकारी मौजूद रहे। कड़ी में आज का ये कदम ये रखा है कि एक वेबसाइट रेरा के माध्यम से ये लॉन्च जो की गई है, इसके अंदर अभी तक जिन लोगों को लगता था मैं अपनी कंप्लेंट को ठीक से लिखवा नहीं पा रहा, रजिस्टर नहीं करा पा रहा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अपना घर बैठे बैठे कंप्लेंट करेगा, उसको ट्रैक करेगा, उसको सारी जानकारियाँ उसमें मिलेंगी और फास्ट तरीके से वो आगे बढ़ पाएगा और जो ये समस्याएँ हैं उन समस्याओं को हल करने के लिए उसकी और भी कोई चीज़ निकलती है, उसकी जो शंकाएं रहती है हमेशा शंकाएं उसकी समाप्त होंगी। एक ट्रांसपेरेंट तरीका जो होता है सबको लगता है कि अगर मानो फॉल्ट उसका अपना भी है, उसको कोई बात की समझ नहीं है, तो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से समझ जाता है कि ये बात केवल मेरे लिए नहीं है, ये पूरे सेक्टर के लिए है। तो सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की दो शाखाओं गुरुग्राम और पंचकुला में उसको बांटा है। गुरुग्राम में बिल्डरों और कॉलोनाइजरों से जुड़े मामले अधिक हैं, इसलिए वहां अलग बेंच स्थापित की गई है। बाकी प्रदेश के लिए पंचकुला में बेंच काम कर रही है। हमारा प्रदेश भले बहुत छोटा है लेकिन हमने अपने सारे सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, सिस्टम को फास्ट करने के लिए हमने दो अथॉरिटीज बनाई और मुझे इतनी तो जानकारी भी नहीं है कि और किस किस प्रदेश में दो अथॉरिटीज हैं। आपको पता है? अभी किसी में नहीं है। दो स्टेट एक जरूर है। हाँ, तो हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट वेयर वी हैव फॉर्म्ड टू अथॉरिटीज, क्योंकि गुरुग्राम अपने आप में कितना बढ़ता हुआ एक फैलता हुआ एक शहर है और नई डेवलपिंग स्टेज में है, तो उसकी कठिनाइयाँ कुछ ज़्यादा ही थी, तो हमने एक तो केवल गुरुग्राम के लिए बनाई और रेस्ट ऑफ द स्टेट उसके लिए एक अलग से पंचकुला में बनाई है। तो दोनों अथॉरिटीज़ बहुत बार मीटिंग करके बहुत अपने कानून तो सेंट्रल है लेकिन उसके अंतर्गत जो लॉज बाय लॉज बनाने हैं, रूल्स बनाने हैं, वो अपने अपने स्टेट ने कुछ बनाने हैं, उस पर कई मीटिंग करने के बाद हम लोगों ने बनाए और कई चीज़ें तो ऐसी हैं आपस में बैठ करके दोनों हमारे इन चेयरमैन ने परामर्श करके वकीलों से बातचीत करके और एक अच्छा रास्ता बनाया है कि जहाँ कहीं एक्ट में भी कुछ चीज़ें साइलेंट थी उसके ऊपर भी अपने नियम बनाए हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल में हरेरा के फैसलों पर अपील की जा सकेगी। बिल्डरों की मनमानी पर लगाम लगाने और उपभोक्ताओं की परेशानियां दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन किया था। इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने हरेरा का गठन किया। इसमें एक गति हमारी बढ़ गई है, तो उस सारे सिस्टम को हम देखते हैं तो केवल प्लॉट होल्डर्स और कंज्यूमर्स उन्हीं की समस्याएं ऐसी नहीं है, समस्याएं बिल्डर्स की भी हैं, जो रियल एस्टेट के काम करने वाले लोग हैं उनकी भी हैं। तो इन दोनों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है एकदम इसका नाम जो रखा गया ये कोई कंप्लेंट अथॉरिटी नहीं है, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तो चीज़ों को रेगुलेट करना है, अगर कहीं कठिनाई यानी प्लॉट होल्डर की है, कंज्यूमर की है, तो उसको दूर करना, और अगर कहीं कठिनाई रियल एस्टेट की है, रियल एस्टेट ओनर की है, बिल्डर की है, तो उसको दूर करना, और कहीं कहीं इन दोनों की समस्या नहीं है बल्कि सरकार का जो महकमा है महकमों के साथ भी कुछ उलझने, तो महकमों की अपनी कठिनाइयाँ हैं। जैसे उदाहरण के लिए ईडीसी है, अब ईडीसी बहुत बड़ा एक पोर्शन है जो हमारा इन बिल्डर के साथ कन्फ्लिक्ट होकर रुका पड़ा है, तो उन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेट अथॉरिटी बनाई है। हरेरा गुरुग्राम के चेयरपर्सन डॉक्टर के खंडेलवाल ने कहा कि हरियाणा में प्रोजेक्ट हरेरा की देखरेख में होंगे। तीन स्टेक होल्डर से रियल एस्टेट में, एक एलॉटी, एक प्रमोटर और तीसरा रियल एस्टेट एजेंट ब्रोकर।
हम लोग अपना काम है कि वी हैव टू बैलेंस द इंटरेस्ट, बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द रियल एस्टेट स्टेक होल्डर्स, दैट इज बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ एरोटी, प्रमोटर एंड रियल एस्टेट एजेंट, तीनों के खिलाफ शिकायत सुन सकते हैं हम लोग। एरोटी पैसा नहीं दे उसकी शिकायत हो सकती है, प्रमोटर जो ऑब्लिगेशन है उसके उसको पूरा नहीं करता है उसकी शिकायत हो सकती है, रियल एस्टेट एजेंट जो है, ब्रोकर जो है, प्रॉपर्टी डीलर जो है, यदि वो गलत कमिटमेंट करता है, गलत प्रोमिस दे करके यदि वो कराता है बुकिंग, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारा, अपार्ट फ्रॉम बैलेंसिंग द इंटरेस्ट, इनके हितों की उसको छोड़ करके इनके राइट्स की रक्षा करना, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स, इनके राइट्स और ड्यूटीज एक्ट में डिफाइंड है। हरियाणा से उन बिल्डरों पर लगाम कसी जा सकेगी जो खरीदारों के साथ धोखा करते थे, वहीं पोर्टल के लॉन्च होने से आसानी से लोगों की समस्याएं हल हो सकेंगी और घर बैठे उन्हें सारी जानकारी मिल जाएगी। चंडीगढ़ से सुदर्शन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में अभी बस इतना ही। MH1 न्यूज पर खबरें आगे भी जारी है, दीजिए इजाजत, नमस्कार।